कर्नाटक के चुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप है कि 2013 में चीन में सिद्धारमैया ने उस कारोबारी से मुलाकात की जिसे भगौड़ा घोषित किया गया है और जिस पर लाखों लोगों को ठगने का आरोप है। You can see there is a gift package which is just about to be given to Mr. Siddaramaiah. बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के हाथ में जो तस्वीर है, उस तस्वीर को बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावी घमासान में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया है। बीजेपी का दावा है कि ये तस्वीर सिद्धारमैया और भारत से भगोड़ा घोषित कारोबारी विजय ईश्वरन की है। बीजेपी का कहना है कि ये वही विजय ईश्वरन है जिसकी कंपनी गोल्ड कैस्ट पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। सितंबर 2013 को सिद्धारमैया साहब, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका देन, ही गोज टू अटेंड WEF मीटिंग इन चाइना एंड इन चाइना ही मीट्स द सेम एब्सकॉन्डर्स। इन चाइना ही मीट्स विजय ईश्वरन। दिस इज विजय ईश्वरन, दिस इज मिस्टर सिद्धारमैया एंड दिस इज Sidharamaiah. अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक गिफ्ट का डिब्बा भी दिख रहा है। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धारमैया ने एक आरोपी से कीमती गिफ्ट भी लिए। एंड इफ यू वुड सी दिस थर्ड सर्कल, देयर इज अ गिफ्ट पैकेज। यू कैन सी देयर इज अ गिफ्ट पैकेज व्हिच इज जस्ट अबाउट टू बी गिवन टू मिस्टर सिद्धारमैया। सो मिस्टर सिद्धारमैया, हु इज नॉट अ सिंपल मैन, हु इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, हु हेड्स द होम डिपार्टमेंट, who heads the police, the CID of his own state. Of course, he knows the whereabouts of any person whom he meets. It would have taken just a few seconds for his intelligence to know, for his office to know that he is an absconder, that SFIO has submitted a report. BJP ka dawa hai ki Siddharamaiah aur Vijay Ishwaran ki mulaqat 2013 mein Cheen mein hui thi. Aur is mulaqat mein Siddharamaiah ne Ishwaran ko Karnatak mein nivesh karne ka nyota bhi diya tha. अब बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या सिद्धारमैया विजय ईश्वरन को पहले से जानते थे? क्या सिद्धारमैया को नहीं पता था कि वो भगोड़ा था? क्या ईश्वरन ने सिद्धारमैया को महंगा उपहार दिया था? क्या सिद्धारमैया को 40 लाख की हुबली घड़ी उपहार में मिली? बीजेपी का आरोप है कि विजय ईश्वरन चिट फंड कंपनी चलाता था और लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया था। बीजेपी का आरोप है कि लोगों का पैसा डूब गया, लेकिन सिद्धारमैया की सरकार ने FIR तक नहीं दर्ज की। बीजेपी ने वो तमाम दस्तावेज भी मीडिया के सामने पेश किए जो विजय ईश्वरन पर आरोपों की कहानी बता रहे हैं। कर्नाटक के चुनावी दंगल में बीजेपी का कांग्रेस पर ये सबसे बड़ा हमला है। बीजेपी ने इस बार निशाना सीधे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगाया है, जिनके काम के आधार पर कर्नाटक की जनता चुनावी नतीजा तय करेगी। कर्नाटक में वोटिंग में हफ्ते भर का वक्त बचा है, ऐसे में यहां सियासी महाभारत चरम पर है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2014 से ही कांग्रेस मुक्त भारत का काउंटडाउन चल रहा है। जो कांग्रेस पार्टी आपके वेलफेयर के लिए सोचने को तैयार नहीं है, अब वक्त आ गया है उनके फेयरवेल का। मुख्यमंत्री जो क्लीन चिट देते फिरते हैं, क्लीन स्वीप कर दो इस बार। देश के हर कोने में से कांग्रेस कर्नाटक में भी पक्का अब बच नहीं सकती। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने बड़े आक्रामक अंदाज में कांग्रेस मुक्त भारत के बीजेपी के एजेंडे को सामने रख दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2014 के बाद से ही कांग्रेस का काउंटडाउन चल रहा है। जब लोकसभा का चुनाव आया,
400 एमपी वाली कांग्रेस पार्टी 40 पर आकर के अटक गई भाइयों, 40 पे आकर। ये जनता का मिजाज है भाइयों बहनों। और बाद में जहां भी चुनाव हुआ कांग्रेस गई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसे ही अपमानित किया। आंबेडकर जी को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश में दलितों के घर जला दिए जाते हैं, उनको साबुन और शैंपू भेज दिया जाता है मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले। तो एक जो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, आए दिन इन घटनाओं के जरिए सामने आती है। सरकार बदली से बीजेपी कर्नाटक में अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। करप्शन कर्नाटक में बड़ा मुद्दा है, इसीलिए पीएम मोदी कांग्रेस के दामन पर करप्शन के दागों का जिक्र अपने भाषणों में जरूर करते हैं। यहाँ एक मंत्री ऐसे हैं, इनके आगे डील लिखा जाता है, डील, यानी जब तक डील नहीं करते तब तक दिल से काम नहीं करते, इसका नाम ये डील करने वाले मंत्री। ये कांग्रेस पार्टी न दिल वाली है न दलितों वाली है, ये कांग्रेस पार्टी डील वाली है। कांग्रेस ने करप्शन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर पलटवार किया। डिनायल ऑफ द राइटफुल ड्यू ऑफ कन्नड़िगास हैज बिकम द डीएनए ऑफ द मोदी येटी रेड्डी गैंग। टाइम टू सीक अकाउंटेबिलिटी एंड आंसर्स फ्रॉम ए प्राइम मिनिस्टर who only comes to Mangalore when there is an election। रायचूर की रैली में पीएम मोदी ने ओपिनियन पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के अनुमान पर भी तंज कसा। रायचूर का ये उमंग, ये उत्साह, एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जो हंग असेंबली की बातें करते हैं उनको ये करारा जवाब दे रहे हैं लोग। इसी रैली में अपने एक समर्थक के शर्ट उतार कर दीवान की दिखाने पर पीएम मोदी ने उससे शर्ट पहनने की अपील की। आपका प्यार, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप अपना शर्ट पहन लीजिए भैया, मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत आभारी हूं, आपका बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी जानते हैं कि जनता के दिल को कैसे जीता जा सकता है, और अगर बीजेपी ने कर्नाटक का दंगल जीत लिया तो दक्षिण भारत में कमल खिल जाएगा और आने वाले 2019 के चुनाव की राह आसान हो जाएगी। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए, और देखिए वो भी किस अंदाज में। देश की जनता ने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को विदाई कर दिया है। जब लोकसभा का चुनाव आया 400 एमपी वाली कांग्रेस पार्टी 40 पर आकर के अटक गई भाइयों, 40 पे आकर। ये जनता का मिजाज है भाइयों बहनों। देश के हर कोने में से कांग्रेस कर्नाटक में भी पक्का अब बच नहीं सकती। और आप देख लेना कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को आगे दिखाएगी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारा आगे दिखाएंगे, और उसके बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बना के दिखाएगी। देखिए कर्नाटक चुनाव के दौरान पीपीपी को लेकर पीएम मोदी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की जुबानी जंग। 15 मई को कर्नाटक के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी,
वो पी 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 कांग्रेस बन जाएगी, पी 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 कांग्रेस, यानी पंजाब पुडुचेरी परिवार कांग्रेस। नरेंद्र मोदी शुड ऑल्सो एक्सप्लेन टू पीपल ऑफ दिस कर्नाटका वाई इन उत्तर प्रदेश इन टू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेर योगी आदित्यनाथ वन बाय मार्जिन ऑफ 2 लाख वोट्स एंड ही लास्ट इन द बाय इलेक्शन ही शुड एक्सप्लेन। डेप्टी चीफ मिनिस्टर ही लास्ट ही शुड एक्सप्लेन वाई इन सम ऑफ द बाय इलेक्शंस दे आर लूजिंग ही शुड एक्सप्लेन। सी इन कर्नाटका वट एवर नरेंद्र मोदी सेज कर्नाटका विल कम बैक टू पावर विद क्लियर मेजॉरिटी। क्या पीएम मोदी के बोल बीजेपी को कर्नाटक चुनाव जिताएंगे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान दावा किया कि वो कामदार हैं, जबकि राहुल गांधी नामदार हैं। कांग्रेस विकास की राह में रोड़े अटकाती है, जबकि बीजेपी उसकी रफ्तार तेज कर रही है। कांग्रेस की राजनीति विकास के आड़े रोड़े अटका रही है और इसलिए आज भी वो रेलवे का प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। ये कांग्रेस का स्वभाव है, उनका चरित्र है, उनकी आदत है, अटकाना लटकाना भटकाना, ये काम हर विकास के काम में कर रहे हैं। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते, आप तो नामदार है नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां से हो सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 2 सीटों से चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से एक है मैसूर क्षेत्र की चामुंडेश्वरी सीट और दूसरी है बादामी। चामुंडेश्वरी सिद्धारमैया की पुरानी सीट रही है, जहां से वो 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। सिद्धारमैया को चुनौती उनके पुराने दोस्त से ही मिल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में दोबारा सत्ता हासिल करने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके ही विधानसभा क्षेत्र चामुंडेश्वरी में मुकाबला कांटे का दिख रहा है। चामुंडेश्वरी में अपनी स्थिति खराब पाने की वजह से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस शख्स को इसका क्रेडिट जाना चाहिए वो है जीटी देवगौड़ा। और इसके अलावा एक और तथ्य यह है कि देवगौड़ा साहब कभी सिद्धारमैया के पोल मैनेजर हुआ करते थे इस इलाके में, तब उनको जिताने के लिए काम करते थे, और फिलहाल सिद्धारमैया के सामने चुनाव लड़ रहे मौजूदा विधायक भी हैं। सीएम सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी इलाके से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन यहीं से 5 बार चुनाव जीता भी है। इस बार सिद्धारमैया के सामने उनके पुराने साथी जीटी देवगौड़ा मैदान में हैं और चुनौती दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, नो रिलेशनशिप आल्सो, नो डेवलपमेंट आल्सो, फुल्ली नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ चामुंडेश्वरी, बिकॉज चामुंडेश्वरी पीपल इज वेरी प्रॉम्प्टली रिजेक्टेड सिद्धारमैया। फर्स्ट वन इज चामुंडेश्वरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिद्धारमैया इज कैनवासिंग, पीपल इज नॉट सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ going to Badami constituency Siddaramaiah, no confidence in Chamundeshwari. And the reason is you, the fear factor is you. Yes. Okay. मौजूदा विधायक और जेडीएस उम्मीदवार जीटी देवगौड़ा ने पिछले चुनाव यानी 2013 में महज 7,000 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन इस बार उनका दावा है कि जीत का अंतर और बढ़ेगा। By what margin you are expecting win in Chamundeshwari? All are expected मिनिमम 20,000। नतीजे से पहले जीत का दावा तो हर नेता करता है, लेकिन दावे में कितना दम है इसके लिए चामुंडेश्वरी की जनता को सुननी चाहिए। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? जीटी देवगौड़ा। सिद्धारमैया को क्यों नहीं? नहीं करे, वो काम नहीं किया हुआ है, इसलिए 5 बार जीता भी प्रयोजन नहीं हुआ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जीटी देवगौड़ा। यहाँ जेडीएस का बहुत, सिद्धारमैया का क्या भी नहीं चलेगा, कांग्रेस का भी नहीं चलेगा। अब जेडीएस, जेडीएस, अब सब जेडीएस, 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 जेडीएस।
लोगों की शिकायत है कि सिद्धारमैया ने क्षेत्र में विकास के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये और बात है कि मौजूदा विधायक तो जेडीएस के ही है। जेडीएस को जीत का भरोसा है और इस भरोसे के पीछे है चामुंडेश्वरी सीट पर वोकालीगा जाति की बढ़ियावादी। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे एचडी देवगौड़ा भी वोकालीगा जाति से ही है। सिद्धारमैया अभी तक ये 5 साल हो गया, 1 साल भी नहीं आया। सिद्धारमैया को तो वोट ही नहीं दे रहे हो। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? इधर अच्छा काम होने के लिए हम लोग को जेडी देवगौड़ा को पूरा सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा जीटी देवगौड़ा और सिद्धारमैया के बीच में ही है। लोग ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को अगर यहाँ से लड़ना था तो फिर वो ये सीट के साथ साथ बदामी से भी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जाहिर है चामुंडेश्वरी सीट पर मुद्दों से बड़ा फैक्टर जातीय समीकरण दिखता है। जहाँ जेडीएस को वोकालीगा समाज के वोटरों पर भरोसा है, तो इलाके में सीएम सिद्धारमैया की कुर्बा जाति के वोटरों की भी बड़ी तादाद है। इसके अलावा कांग्रेस को दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर भी भरोसा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति और लिंगायत वोटरों की भी जीत हार में अहम भूमिका होती है, जो जीत हार का समीकरण बना और बिगा सके। लेकिन सीएम सिद्धारमैया को भी अपनी दोनों सीटों पर जीत का पूरा यकीन है। साथ ही उन्होंने अपने बेटे की सीट पर भी जीत का दावा किया। 100% will come back to power number one with clear majority. I am also winning in both the constituencies. My son is also winning in Varana. Sir, all the three constituencies we are winning. फिलहाल सिद्धारमैया और देवेगौड़ा यानी दो पुराने दोस्त आज आमने सामने हैं और मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। मुकाबला बेहद कड़ा है, वरना जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहा होता है वहां लड़ाई ना के बराबर होती है, लेकिन चूंकि यहां पर मुख्यमंत्री के सामने जो उम्मीदवार है वो भी उतना ही ताकतवर है और इलाके में उसकी लोकप्रियता कहीं ज्यादा है मुख्यमंत्री से, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि चामुंडेश्वरी सीट पर सिद्धारमैया की गाड़ी फंसी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में जुबानी जंग अपने चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जहां कांग्रेस और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को निशाने पर लिया, तो वहीं सिद्धारमैया भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। पहले मैं कहता था, हमारे मोदी जी भी कहते थे कि बीजेपी की आधी चल रही है कर्नाटक में, आधी चल रही है, मगर मैं आज कहना चाहता हूं बीजेपी की आधी नहीं चल रही है, बीजेपी की सुनामी चल रही है। सिद्धारमैया को उठाकर फेंक देगी। सिद्धारमैया जी, कान खुले हैं, आंख खुली है और अभी आप सो नहीं रहे हो, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप जितना बचाना है बचा लो, आपकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 तारीख को येदुरप्पा की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। See, कांग्रेस पार्टी इन दिस असेंबली इलेक्शन विद 100% विल कम बैक टू पावर नंबर वन विद क्लियर मेजॉरिटी। I am also winning in both the constituencies. My son is also winning in Varana. Sir, all the three constituencies we are winning. और देखिए, कांग्रेस और पाकिस्तान की टेलीपैथी कैसी है? यहाँ पर सिद्धारमैया टीपू 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 कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान सरकार भी टीपू 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 कर रही है। टेलीपैथी का राज क्या है? क्यों आपकी और पाकिस्तान की सोच एक समान है? आई एम वेरी मच हिंदू बट आई बिलीव इन सेक्युलरिज्म, आई बिलीव इन प्लूरलिज्म, आई रेस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज। दीज पीपल दे डोंट रेस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज, दे आर क्रिमिनल्स, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू पोलराइज द वोट्स विथ हिंदुइज्म, हिंदुत्व। राहुल बाबा को है कि सिद्धारमैया जी कांग्रेस की नैया पार उतारेंगे, उसको जिता दें, जो खुद ही भाग जाए वो लड़ाई जिता सकता है? सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी से भागकर बादामी आए हैं, बादामी। अरे सिद्धारमैया कान खोल कर सुन लो, बादामी आने से बचोगे नहीं, बादामी में भी श्री रामलू आपको हराने। I am 100% confident
I am not overconfident, but I am confident. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता येदुरप्पा ने जो विवादित बयान दिया उसे लेकर कांग्रेस हमलावर दिख रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के राजनीतिक स्टाइल पर सीधा अटैक किया तो बवाल बढ़ने के बाद येदुरप्पा को सफाई भी देनी पड़ी है। मई मरतो सभे समारंभ कई कटकू दिवस मन मन हम मतदार ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಮಹಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ कर्नाटक में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदुरप्पा के इसी बयान पर चुनावी मैदान में घमासान हो रहा है। हंगामा बढ़ने के बाद येदुरप्पा सफाई देने के लिए सामने आए, बोले कि मैंने तो हाथ पैर बांधकर नहीं हाथ जोड़कर वोटर को लाने की बात कही थी। आई डोंट नो हाउ यू आर टेकन ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಕಾಲನ್ನ। ಯದುರಪ್ಪ ಅಬ್ ಸಫಾಯಿ ದೇ ರಹೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೆ ಬಯಾನ್ ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ್ ಹಮಲೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಥಿಯಾರ್ ದೇ ದಿಯಾ ಹೈ। ಯೇ ಏಕ್ ಐಸೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಚಾಲ್ ಚರಿತ್ರ ಚೆಹರೆ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಜೋ ಹರ್ ಚೀಜ್ ಧೋಂಸ್ ಕಿ ರಾಜನೀತಿ ಕೆ ಆಧಾರ್ ಪೆ ಚಲಾತೆ ಹೈ ಭಯ ಡರ್ ಧಮಕಿ ಔರ್ ಧೋಂಸ್। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि ये शब्द उस व्यक्ति से आ रहे हैं जो घोषित मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं इस पार्टी के। ये सिर्फ आदर्श संहिता का उल्लंघन नहीं है, वो तो है ही निश्चित रूप से, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, ये निश्चित रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत एक अतिरिक्त ऑफेंस है। फौजदारी ऑफेंस एक तीसरा आयाम है इसका, और हम अपने सभी इकाइयों को कहेंगे कि इसका एनालिसिस करके उपयुक्त कंप्लेंट की जाए। येदुरप्पा को भले गलती का एहसास हो रहा हो और वो कह रहे हैं कि वो कहा नहीं था जो दिखाया गया, लेकिन कैमरे से कहां कुछ छिपता है। अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम एक नए विवाद में फंस गए हैं। ताजा विवाद रेलवे अधिकारी पर अपनी दादागिरी दिखाने का है। सतीश गौतम एक वीडियो में रेलवे अधिकारी से कह रहे हैं कि सारी ट्रेनें रोक दो, सिर्फ वैशाली एक्सप्रेस को जल्दी स्टेशन पर ले आओ। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम फोन पर ये दादागिरी रेलवे के अधिकारी को दिखा रहे हैं। अंदाजे बयां से साफ है कि सतीश गौतम अपने सांसद होने की पूरी ताकत का इस्तेमाल वैशाली ट्रेन को जल्दी अलीगढ़ स्टेशन पर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वैशाली ट्रेन को सतीश गौतम क्यों जल्दी अलीगढ़ स्टेशन पर लाना चाहते हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। पता करो वैशाली 10 मिनट में यहाँ चाहिए। सुना आपने, राजधानी एक्सप्रेस भी बाद में आएगी, पहले वैशाली ट्रेन को भेजो, क्योंकि इस ट्रेन में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे आ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ इस वक्त जिन्ना विवाद का केंद्र बना हुआ है, जमकर राजनीति हो रही है। महेंद्रनाथ पांडे भी लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचने वाले थे क्योंकि एएमयू विवाद के बाद उन्हें यहां का दौरा करना था। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाए में जुटे सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा कमांडर सद्दाम पद्दार अपने 4 साथियों के साथ मारा गया। मारे गए आतंकियों में कश्मीर यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी है जो कुछ ही दिनों पहले हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ, एसएसपी शोपियन। शोपियां के एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा की इस अपील के बदले आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को भी इसका जवाब देना पड़ा और आखिरकार 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनमें सबसे बड़ा नाम सद्दाम पद्दार का है। सद्दाम पद्दार हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और बुरहान वानी का बेहद करीबी था। इस पर 15 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम रफीक भट्ट है, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। रफीक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर था।
हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। इन दोनों के अलावा लश्कर ए तैयबा का आतंकी आदिल मलिक, हिजबुल का ही तौसीफ शेख और बिलाल मोहम्मद को भी मार गिराया गया है। सदाम पद्दार को मार गिराने के साथ ही बुरहान वानी ग्रुप का सफाया हो गया। 2015 में सोशल मीडिया पर आतंकी बुरहान वानी ग्रुप की ये फोटो वायरल हुई थी, इसमें सद्दाम पद्दार भी था। अब इस तस्वीर में शामिल आतंकियों में से सिर्फ तारिक पंडित ही जिंदा बचा है, जो इस वक्त जेल में है। सद्दाम पद्दार का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन नेटवर्क के लिए बड़ा झटका है। बुरहान वानी के मारे जाने और जाकिर मूसा के हिजबुल से अलग होने के बाद शोपियां, पुलवामा, अवंतीपोरा में नए लड़कों की भर्ती और नए ठिकानों को तैयार करने में इसकी अहम भूमिका थी। आतंकी बनने से पहले वो पत्थरबाजी करता था। सबसे पहले लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ, बाद में हिजबुल मुजाहिदीन में आ गया। सेना के जवान इरफान की इसने हत्या की थी। पुलिस और सेना के परिवार वालों को धमकाना और पीटना इसके लिए आम बात थी। शोपियां के जैनपुरा इलाके में बड़ीगाम में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने सुबह ही पूरा इलाका घेर लिया था। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। सेना और पुलिस का एक जवान इसमें घायल भी हुआ। एनकाउंटर शुरू होते ही अलग अलग जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी शुरू कर दी। शोपियां में 3 लोगों की जबकि कुल 5 नागरिकों की मौत इन झड़पों में हो चुकी है। आतंकियों के जड़ से सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इस साल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 70 आतंकियों को मारा जा चुका है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।